गुमला में सभा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची लौट रहे हैं, जहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पीएम मोदी रांची से विशेष विमान से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए इसी विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने आज सभाएं की हैं, चुनावी सभाएं, और गुमला के बाद सीधे रांची के लिए निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और झारखंड को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस और जेएमएम मिलकर कर रही है, लेकिन झारखंड आगे बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड ने बेहतर काम किया है, रघुवर दास ने इतिहास रचा है। 5 साल तक लगातार झारखंड में एक स्थिर सरकार दी है। हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से, सीधे रुक करते हैं राजेश का। राजेश, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर कौन कौन मौजूद है प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए? देखिए, झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें आज पहला दिन है जिसमें प्रधानमंत्री की जो चुनावी सभाएं हुई है दो जगह, उसका ये उनका जाने का रूट है। और वो आए थे गया होके, लेकिन वो यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरा तैनात है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर जो मौजूद नेता हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे, जैसे मंत्री सीपी सिंह जो रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, राम कुमार पाहन हैं, और इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, कुल 10 लोगों की टीम है यहाँ पर, जो जिन्हें पीएमओ से परमिशन मिला है, और ये लोग ही प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और उन्हें विदा करेंगे। तो लौटते वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास भी यहाँ पर होंगे, चूँकि साथ ही वो लौट भी रहे हैं, उनका भी कारकेट एयरपोर्ट पर आया हुआ है। तो बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा, उनका प्लेन तैयार है, और यहाँ से वो फिर विदा लेंगे। आसिया, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के काफी इंतजाम होंगे, प्रोटोकॉल जो प्रधानमंत्री के दौरे का होता है। राजेश, क्या आम लोग भी पहुंचे हैं? क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री रांची पहुंचे हैं, बहुत उत्साहित यहाँ की जनता रही है उन्हें उनके दर्शन के लिए। आज किस तरह का माहौल एयरपोर्ट के आसपास दिख रहा है? खास माहौल नहीं है यहाँ पर, कुछ मीडिया कर्मी हैं और कुछ, चूँकि प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से बाहर तो आना नहीं है, वो अंदर ही हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे प्लेन से। तो यहाँ पर कोई आम लोग नहीं है, हम ही लोग के माध्यम से उन्हें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ से जो जा रहे हैं पलामू गुमला का दौरा करके, तो यहाँ पर वैसे आमतौर पर लोग है ही नहीं, और प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ उनका विमान तैयार है, सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 11 के साथ। नमस्कार।